हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो फाइनली आई रीच्ड मुंबई। मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैवल था, क्योंकि मैं कैसे कैसे ट्रैवल करके मुंबई पहुंचा हूँ। बट एनी हाउ मुझे मुंबई पहुंचना ही था। सो मैंने ट्रेन ट्राई किया, एयरपोर्ट तो पास में था नहीं। सो मैं अजमेर में था, अजमेर से वहाँ से एयरपोर्ट पास में था नहीं, तो इसलिए वो तो भूल ही जाओ। फिर मैंने बस ट्राई किया, वो भी नहीं मिला। एनी हाउ कैसे ना कैसे करते करते मुझे नाइट का कुछ 8:30 का बस मिला। तो ये स्टोरी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो मैं अभी होता था पुष्कर में, पुष्कर से मेरी ट्रेन थी शाम की। बट मुझे जब मैं जयपुर से निकला पुष्कर के लिए, जयपुर से हम अजमेर गए, अजमेर से हम पुष्कर जाने के बोलते थे, क्योंकि वहाँ से हाफ एन आवर पे ही है पुष्कर। तो अजमेर जैसे ही पहुँचने वाले थे, उससे 10 मिनट पहले मुझे कॉल आया एक। सो कॉल आया तो मैंने बात किया, एक्चुअली मेरे डैडी का कॉल था। सो उन्होंने कहा कि दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुझे घर आना पड़ेगा। सो कैसे ना कैसे मैंने ट्राई किया, उतरा फटाक से अजमेर में, क्योंकि अजमेर से स्टेशन पास में, ट्रेन स्टेशन पास में और बस स्टैंड भी पास में। तो मुझे लगा शायद कुछ ना कुछ तो व्हीकल मिल ही जाएगा मुझे जाने के लिए। ना बस थी ना ट्रेन थी, क्योंकि हमारे पहुंचने से 15 मिनट पहले एक ट्रेन निकल चुकी थी और जो दूसरी थी वो 8 o'clock की थी और वो थी जयपुर से। सो अजमेर से जयपुर जाना 2.5 hours था और हम लोग पहुँचे थे 6 o'clock को। सो 6 to 7, 7 to 8 ऑलरेडी उतना हो गया। फिर ओवर हाफ एन आवर 8:30 हमें पहुंचने में लग जाता था, तो कोई मतलब ही नहीं था जयपुर रिटर्न जाके ट्रेन पकड़ना। सो इसलिए उसके बाद हमने सोचा क्या करें। लगातार हम चेक करते रहते फ़ोन से कि कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, ताकि ट्रेन भी अवेलेबल नहीं था। ट्रेन सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था, कुछ 11 o'clock या 10 o'clock का था, तो वो भी पॉसिबल नहीं था, बहुत टाइम हो जाता था। तो फिर हम लोग सोचे कुछ करते। फिर वहाँ से हमने ऑटो किया, ऑटो करके हम अजमेर जो बस स्टॉप होता है वहाँ पे गए। फिर वहाँ से हमने सोचा क्या करें अब, तो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स वाले से पूछा कि कोई बस है, एटलीस्ट सूरत तक भी हमें बस मिल जाए तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम निकल जाएंगे मुंबई के लिए। सो जैसे तैसे हमें एक अच्छा एक बस वाला मिला, ट्रैवल वाला मिला। उसने बोला कि ठीक है हम कुछ करते, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन था, मैंने उसे बताया। तो उसने बोला कि ठीक है आप रुको हम ट्राई करते। तो 6,000 के करीब एक टिकट पड़ रहा था, और एक उसने वो भी टिकट कुछ फ्लाइट का था शायद, तो मैंने बोला नहीं उतना तो नहीं होगा। सो हमने सोचा कि, और पर्सनल व्हीकल का भी था, एक सुमो था वो पर्सनल व्हीकल, मतलब पर्सनली हम लोग को मुंबई छोड़ेगा, बट उसका भी कुछ 6,000 के करीब बोल रहा था। तो फिर बाद में एक उसने ऑफ़र दिया, वो था 800 rupees में सीधा यहाँ से अहमदाबाद, अजमेर टू अहमदाबाद हम लोग गए। फिर अजमेर टू अहमदाबाद गए, फिर वहाँ से हम लोग निकले, अहमदाबाद पहुँचे। फिर अहमदाबाद पहुँचने के बाद हमने सोचा आप क्या करेंगे, वहाँ पे भी ट्रेन नहीं थी, कोई भी अवेलेबल नहीं थी, जो भी ट्रेन थी सब लेट थी, 1 घंटा 2 घंटा लेट। बोला इतना टाइम वेस्ट करके हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास घर पहुँचने के अलावा और कोई कुछ काम नहीं था। तो वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा वेट किए, 5-10 मिनट वेट किए, देखे कौन सा क्या अवेलेबल है। फिर उसके बाद हम लोग ने लोकल टिकट लिया, फिर अहमदाबाद से हम सूरत गए, जो अपना शटल एक्सप्रेस जो ट्रेन होते हैं वो पकड़े। फिर वहाँ से सूरत गए, फिर सूरत से हमें बस मिली, ढूंढा वहाँ से भी कोई अवेलेबल नहीं था ट्रेन। फिर वहाँ से बस मिली, फिर वहाँ से जो लोकल ST बस होती है, एक्सप्रेस हाईवे पे जो चलती है वहाँ की, गुजरात की, फिर वो पकड़ के हम गए वापी। सो ऑलरेडी वो सूरत से नवसारी, वलसाड, वो सब घूम कर वापी गई। फिर वापी से हम ऑटो करके वापी जब उतरे बस स्टॉप के यहाँ पे, फिर वहाँ से उतर के ऑटो करके नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे होते वहाँ पे गए। फिर वहाँ से हमें लकीली बोलते ना, एक भगवान जैसे आता ना वैसे एक बस वाला आया। उसके पहले एक इको वाला जो कार है ना अपना, जो इको वो था, बट वो 200 rupees ले रहा था और हमें पहुँचा रहा था बोरीवली तक, सॉरी फाउंटेन तक पहुँचा रहा था हाईवे पे। और फिर जब हम लोग ने थोड़ा वेट किया, फिर फ्रेंड ने बोला कि नहीं रुक जा, अपने को मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रख, अगर बस वाले रहेंगे तो अपन बस में चले जाएंगे। सो लकीली एक बोलते ना फरिश्ता वैसा वो एक बस वाला आया, देन हम लोग को बस मिल गई 200 rupees में। वो बंदे ने पहले तो उसने बोरीवली बोला, फिर हम लोग ने देखा कि वो अंधेरी और किधर पुणे साइड जा रहा है, तो हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप मलाड तक छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा होगा। उसने
थोड़ा सा भी सोचा नहीं, बोला क्यों नहीं हम छोड़ देंगे मनाड़ तक, जब हम हमारा रूटी वहीं पे तो हम ज़रूर छोड़ देंगे आपको। तो जो सुकून मिला ना सुन के, और बस भी वॉल्वो थी, बहुत अच्छी थी बस, मतलब उसमें चार्जिंग पॉइंट ये वो सब कुछ अच्छा था। फिर उसने कुछ 5 o'clock को एक रेस्टोरेंट पर रुका, वहाँ पे सब नाश्ता वाश्ता किए, बहुत ही रिलीफ मिला, मूड होया, थोड़ा रिलैक्स हुआ, घर वालों से बात किया फ़ोन पे। मैंने डैडी ने कहा कि तू ठीक है चलेगा आराम से, ज़्यादा इतना ट्रैवल मत कर नहीं तो बीमार हो जाएगा ये वो। मैं बोला बीमार तो मैं ऑलरेडी था, सो मैंने घर पे बताया नहीं, क्योंकि मुझे भी कोल्ड और कफ था 3 दिन से, नॉर्मल लोकल दवाई तो ले ही रहा था। सो सोचा कि एक बार जब मुंबई पहुँच जाऊँगा तो जो मेरा फिजिशियन है उससे कॉन्टैक्ट करके एक जो भी मेडिसिन होगा ले लूँगा। सो वैसे ही करते करते हम मलाड पहुँच गए, मलाड पहुँच कर फिर फाइनली घर पहुँचा हूँ। कल रात को 8:30 को मैं फाइनली घर पहुँचा हूँ। सो जो दूसरे दिन डे आफ्टर बिफोर जो हम लोग ने स्टार्ट किया था जर्नी निकल के वहाँ से अर्जेंटली में, वो था करीब 8 o'clock को हम लोग ने स्टार्ट किया था शाम को, और दूसरे दिन 8:30 को हम घर पे पहुँचे। तो ऑलमोस्ट 24 hours तो जर्नी किया ही किया, प्लस जितने हम लोग ने गुजरात घूमा है ना बस में, खतरनाक था भाई। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जर्नी था और ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। यानी हाँ दादी तो ठीक है अभी फ़िलहाल। सो यही बताना था मुझे, क्योंकि आपके लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकता है, सो तैयार है ना हमेशा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन है वो बोलकर नहीं आती है, कभी भी आ सकती है। तो ऐसे मतलब माइंड को हमेशा स्टेबल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप माइंड स्टेबल नहीं रखोगे तो आपके दिमाग में और 10 ख्याल चलते रहेंगे और आप समझ नहीं पाओगे कि आपको राइट थिंग करना क्या है। तो इसलिए मैं तो थोड़ा स्टेबल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली जब घर की बात आती है तो कोई भी दिमाग में मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। सो एनी हाउ फ्रेंड था मेरे साथ, उसने बोला कि कुछ नहीं अपन पहुँच जाएंगे, तो मैं देखता हूँ सब, तो जो भी है वही देख रहा था कैसे क्या पहुँचना है, और उसको ऑलरेडी वो ट्रैवल कर चुका था वो रूट पे। सो ऑलरेडी मेरे दो जो दोस्त थे वो कुछ 2 बजे दोपहर को ही निकले थे उसी दिन, मैं बात कर रहा हूँ 9 तारीख की। सो कल था 10, कल मैं पहुँचा हूँ घर, राइट, आज है 11, तो मैं बात कर रहा हूँ 9 तारीख की। 9 तारीख को दो बजे दोपहर को ऑलरेडी मेरे दो फ्रेंड निकल चुके थे, क्योंकि उनको घर जाना था, एक का मास्टर्स था और एक को ऑफिस जाना था। सो वो लोग तो 10 को सुबह 6 बजे पहुंच चुके थे मलाड, और हम लोग को अगर पहले ही कॉल आ गया होता तो हम भी उनके साथ ही 2 बजे निकल जाते थे। बट ठीक है, जो भी होता है सिचुएशन जैसे कि मैंने कहा बोलकर नहीं होती है। सो हमेशा प्रिपेयर रहना, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास कैश या उतना पे आपके पास हो, ताकि आप बजट तो आप सोच के ही चलते हो बट बजट से थोड़ा एक्स्ट्रा आप आपके पास रखो, ताकि ऐसा कभी भी कोई भी सिचुएशन हो तो आप आराम से हैंडल करके घर पहुंच सके। सो अभी जो ब्लॉग मेरा वीडियो होगा, तो जो मैंने ट्रैवल किया कुछ कुछ क्लिप्स ही मैंने लिए जितना पॉसिबल हो, थोड़े थोड़े क्लिप्स, सो ज़रूर देखना उसको और जज मत करना कि यह ऐसा है वैसा है, क्योंकि जो मेरी हालत थी वो मैं ही समझ सकता हूँ। ऊपर से मुझे फीवर भी था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट एनी हाउ मैंने सब कुछ हैंडल किया और फाइनली घर पहुंच गए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जुगाड़ू जीत को। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहना।